Hello students, welcome to English class. Students, as you all know that we have been doing diary entries in the last few classes, and till now we have completed, if I tell that from starting till now, what have we done? Okay, so we have completed the introduction of diary entry, the guidelines and the rules for diary entry, and we have also seen the format of diary entry. And I have explained you 5 solved questions, okay, which I have asked you all to write in your notebook. These were the 5 questions which I have explained you. And in the previous class, I have given you question for self-assessment as well, right? So this was the question I have given you diary entry to improve spoken English. The second one was this domestic chores. Okay, so these 2 were the questions which I have given you for self-assessment, and today I will be giving you few more questions for self-assessment, or should I say that will be your homework, and with this we will be completing our topic of diary entry. Okay, so the third question for your homework is, you have recently read a book, write a diary entry expressing your opinion about the book. कि आपने अभी रिसेंटली एक बुक या एक नॉवेल रीड की है और उस नॉवेल के आपके जो व्यूज हैं, जो आपके ओपिनियंस हैं, वो आपको एक्सप्रेस करना है एक डायरी एंट्री में. ठीक है, तो अब इसमें आपको सारी डिटेल्स दी गई हैं, आप क्या क्या बताओगे? राइट व्हेन यू रेड गुलिवर्स ट्रेवल. तो गुलिवर्स ट्रेवल ये नॉवेल है, नॉवेल आपने पढ़ी है, इस नॉवेल के बारे में आपको लिखना है. अब गुलिवर्स ट्रेवल क्या नाम है? गुलीवर वॉज अ नेम ऑफ द पर्सन जो कि ट्रैवलर था. वो हर बार कहीं ना कहीं नई जगह जाता, सी वॉयज पर वो जाता, और हर बार जहाँ वो जाता तो नॉवल की स्टोरी ऐसी होती कि हर बार वो जब सी वॉयज पर जाता, सी जर्नी पर जाता, तब उसकी जो बोट है वो एक स्ट्रेंज आइलैंड पे पहुंच जाती है, और इस स्ट्रेंज आइलैंड पर इसके साथ कुछ ना कुछ स्ट्रेंज चीजें होती है. ये हर बार ऐसे कुछ ना कुछ अलग होता है, जैसे कि सबसे पहले वो लिलीपुट वर्ल्ड में चला गया था. उस आइलैंड पर सारे लिलीपुट्स थे, दैट इज जो छोटे छोटे आदमी होते हैं. गुलीवर उनके सामने एकदम जेंट बहुत बड़ा सा दिख रहा था. ठीक है, उसके बाद वो जाता है एक बार, उसके बाद जब नेक्स्ट सी वॉयज पे जाता है तब वो पहुंच जाता है जहाँ पे गुलीवर ही एक लिलीपुट सा था, क्योंकि बाकी सारे लोग इतने बड़े बड़े हाइट के थे वहां पे. तो इस तरीके से गुलीवर हमेशा जब भी ट्रेवल पे जाता कहीं ना कहीं ऐसे स्ट्रेंज आइलैंड पर पहुंच जाता. ठीक है, तो ये आपको नॉवेल के बारे में लिखना है, फिर आपको बताना है कि नॉवेल बहुत इंटरेस्टिंग लगी है, और फिर आप बताओगे दैट द फर्स्ट पार्ट इज फैंटास्टिक. अब गुलीवर ट्रेवल का आपको बताना है कि फर्स्ट पार्ट फैंटास्टिक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये आपको बताना है. तो जिसने जैसे कि अभी मैंने कहा कि गुलीवर जो है लिलीपुट वर्ल्ड में पहुंच जाता है, तो वो उससे रिलेटेड आपको बताना है कि वो किस तरीके से लिलीपुट के वर्ल्ड में पहुंच गया था. सब लोग बहुत छोटे छोटे थे, सब लोग इसको देख के डर रहे थे एंड ऑल, इस तरीके से आपको बताना है. ओके, नेक्स्ट एक्सप्लेन हाउ गुलीवर्स स्टे इन लिलीपुट इज क्वाइट अम्यूजिंग. उसके बाद आपको बताना है कि लिलीपुट का जो स्टे रहा, सॉरी गुलीवर का जो स्टे रहा था लिलीपुट का में, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग था. अब आप चाहो तो इंटरनेट पर इसके गुलीवर ट्रेवल के बारे में आप इंफॉर्मेशन और गेन कर सकते हैं, सो दैट आपका डायरी एंट्री का वर्क आप इसमें कंप्लीट कर सको. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू आर गोइंग टू योर स्कूल, यू सॉ दैट अ स्पीडिंग कार हिट अ साइक्लिस्ट हु फेल डाउन, ही वाज सीरियसली वाउंडेड, ही वाज टेकन टू नियर बाय हॉस्पिटल, यू वर सो मच पर्टर्ब्ड बाय दिस साइट that you could not talk to anybody for some time. When you got over it, you felt like writing a page for your diary. अब आप इस क्वेश्चन में लिखा गया है, दिया गया है आपको कि आप जब स्कूल जा रहे थे उस टाइम पे एक कार तेजी से चलती हुई आई, और एक साइकिलिस्ट, दैट इज एक साइकिल पर जाने वाले पर्सन को कार जो है टक्कर मार के उसे गिराकर कार चली जाती है. अब जो पर्सन साइकिल चला रहा था उसे बहुत ज्यादा चोट लगी, बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में वो है, और उसे पास ही के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है. अब आपने इससे पहले इतना बड़ा मेजर एक्सीडेंट नहीं देखा था, तो बहुत ही ज्यादा डर गए थे, डिस्टर्ब से हो गए थे इस एक्सीडेंट से, और इतने ज्यादा घबरा गए थे कि आप कुछ देर तक किसी से बात ही नहीं करें. ठीक है,
अब उसके बाद जो है आप डिसाइड करते हैं कि इस एक्सीडेंट के बारे में आप डायरी एंट्री करोगे, ठीक है। सो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अब यहाँ पे आपको हिंट्स दिए गए हैं क्या क्या पॉइंट्स आपको डायरी एंट्री के यहाँ पर मेंशन करने हैं। मेंशन दैट इट वाज अ हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस। सबसे पहले आप बताओगे कि आपके लिए बहुत ज्यादा हॉरिफाइड एक्सपीरियंस रहा है, जो जो एक्सीडेंट आपने देखा ये आपके लिए बहुत ज्यादा हॉरिफाइड एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। से दैट द ड्राइवर अ कैलस फेलो। आपको बताना है ड्राइवर के बारे में कि ड्राइवर कितना केयरलेस था, उस एक तो इतना हार्श ड्राइव कर रहा था, एक्सीडेंट कर दिया और उस पर्सन को वहीं छोड़कर भाग गया, ऐसा नहीं कि उसकी उठकर हेल्प कर रहे हैं, उसे हॉस्पिटल एडमिट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ड्राइवर के बारे में बताना है। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस योर फीलिंग अबाउट द पुअर साइक्लिस्ट, द पेन एंड सफरिंग। उसके बाद आपको डायरी में मेंशन करना है उस साइक्लिस्ट के बारे में, उस पर्सन के बारे में जिसका एक्सीडेंट हुआ है, आपको उसके लिए कितना ज़्यादा बुरा लग रहा है और आप समझ सकते हो कि वो कितने ज़्यादा दर्द में, कितने ज़्यादा पेन में होगा, कितना ज़्यादा वो सफ़र कर रहा होगा, है ना। ये चीज़ें आपको बतानी है। गिव योर रिफ्लेक्शन एज टू वाई देर इज सो मच डिफरेंस। अब यहाँ पे आपको ये इस पॉइंट में बताना है कि ये जो डिफरेंसिएशन है ये क्यों है, ठीक है। एक कार चलाने वाला एक साइकिल चलाने वाले को मारकर भाग रहा है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन रिच एंड पुअर, ये हमारी सोसाइटी में प्रिवेल हो रहा है और इससे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को फेस करनी पड़ रही है जो कि लोअर क्लास या जो कि माइनॉरिटी में आते हैं, ठीक है। तो ये एक्सीडेंट आपने देखा है, इसे आपको एक्सप्रेस करना है अपनी डायरी एंट्री में, ओके। होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Yesterday was the prize distribution day in a school. You have been honored with school color and the certificate of your contribution in social service. Write a diary entry about it. अब जो है इसमें आपको ये बताना है कि आपकी स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे था, ठीक है, और आपको भी इसमें प्राइज मिला है फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल सर्विस। आप बहुत सोशल वर्कर हो, सोशल सर्विसेज करते हो और इसे अप्रिशिएट करने के लिए आपको भी प्राइज दिया गया है। तो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए आपको यहाँ पे डायरी एंट्री करनी है, ओके। सो आई विल अगेन एक्सप्लेन यू द हिंट्स गिवन फॉर दिस क्वेश्चन। सो द फर्स्ट हिंट गिवन हियर इज से दैट यू फील हैप्पी एंड प्राउड। आप सबसे पहले बताओगे कि आप बहुत ज्यादा खुश हो, बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हो क्योंकि इतना बड़ा अवार्ड आपको मिला है और वो अवार्ड भी किससे मिला है, क्योंकि आप सोशल वर्कर, आप सोशल सर्विसेज करते हैं, ठीक है। मेंशन दैट यू वर गिवन स्कूल कलर एंड अ सर्टिफिकेट। आपको बताना है कि जो ऑनर्स होता है वो लेवल आपको मिला है, साथ में आपको सर्टिफिकेट भी दिया गया है। एक्सप्रेस हाउ द वर्ड्स ऑफ प्रेज वर स्पोकन फॉर योर कंट्रीब्यूशन इन सोशल सर्विस। अब जो है जब आपको इतना बड़ा ऑनर, इतना बड़ा अवार्ड दिया जा रहा था, तब आपकी तारीफ में जो स्पीच दी गई थी, जो वर्ड्स बोले गए थे, ठीक है, वो सुनकर आपको कैसे लगा था, आपके बारे में क्या कहा गया था, उसका थोड़ा सा हिंट आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। कि आप बहुत ज्यादा खुश हो कि आपके काम को इतना ज्यादा प्रेस किया जा रहा है जिसकी वजह से आपकी तारीफ हो रही है, आपके लिए स्पीच बोली गई थी और आपको इतना बड़ा अवार्ड मिला है, तो आप इससे बहुत ज्यादा खुश हो, ये आपको एक्सप्रेस करना है। प्लस टू योर सेल्फ कंटिन्यू डूइंग सोशल वर्क। और एट द एंड आप डायरी एंट्री में ऐसे लिखोगे कि आप प्लेज करते हो कि आप ये सोशल वर्क जो है वो कंटिन्यू करते रहोगे। सो दिस वाज अ क्वेश्चन नंबर 5th एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क इज यस्टरडे यू वेंट विद योर फैमिली टू डाइन एट अ फेमस रेस्टोरेंट इन योर सिटी। यू वर टेकिंग योर मील्स व्हेन ऑल ऑफ अ सडन यू सॉ सचिन तेंदुलकर। यू वर बिसाइड योरसेल्फ विद जॉय। You shook hand with him and talked to him, write a diary entry expressing your feeling. So यहाँ पे I hope ये topic आप लोगों के लिए थोड़ा सा interesting सा होगा, because यहाँ पे दिया गया है कि आप अपनी family के साथ एक restaurant में खाना खाने, dinner करने के लिए गए थे, तब आप देखते हो कि suddenly आपने क्या देखा, आप देखते हो कि वहाँ पे सचिन तेंदुलकर जो famous cricketer हैं वो वहाँ पर आ गए हैं और आप उससे बहुत ज्यादा खुश थे, आप सचिन तेंदुलकर से मिले, उनसे हैंडशेक किया, उनसे बातें की, ठीक है। तो ये जो आपका एक्सपीरियंस रहा है सचिन तेंदुलकर से मिलने वाला, ये आप मेंशन करेंगे अपनी डायरी एंट्री में, ओके। सो नाउ
यहाँ पे हिंट्स क्या है, से व्हेन एंड वेयर यू सॉ सचिन तेंदुलकर। आप सबसे पहले बताओगे कि आपने कब और कहाँ सचिन तेंदुलकर को फर्स्ट टाइम देखा था। मेंशन हाउ यू मेट एंड टॉक टू हिम, क्या पहले कहाँ देखे, फिर किस तरीके से आप उनको अप्रोच किए, किसी के थ्रू किए, डायरेक्टली चले गए, आप उनसे मिले, आप उनसे बातें करी, ये आपको बताना है। इंक्लूड हाउ यू कॉम्प्लीमेंटेड हिम फॉर हिज स्किल्स, उसके बाद आपने उनसे क्या कहा उनकी तारीफ करते हुए, ठीक है, ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है। एक्सप्लेन हाउ ही शुक हैंड विथ यू, हग यू। उसके बाद आप एट द एंड बताओगे कि किस तरीके से सचिन तेंदुलकर ने आपके साथ हैंडशेक किया और आपको हग किया था, ठीक है, आपके गले लगे थे। तो ये सारे हिंट्स हैं जो कि आपको इस डायरी एंट्री में इंक्लूड करने हैं। सो पिछली क्लास का सैटरडे का और आज का वर्क मिला के आपके नियरली 6 क्वेश्चंस हो गए हैं सेल्फ असेसमेंट के। 5 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, 6 आपको खुद से करने हैं जो कि मैंने सारे एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू यू। इफ यू एवर गेट एनी डाउट रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज टू मी, एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ डायरी एंट्री। आई जस्ट होप एवरी थिंग इज क्लियर टू यू ऑल। सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, सो मेक श्योर दैट यू कंप्लीट एंटायर वर्क ऑफ द डायरी एंट्री बाय टूडे इट सेल्फ, एल्स इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कंप्लीट द पेंडिंग वर्क। ओके, थैंक यू एवरीवन।